पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है, एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। नीट को एंट्री पुअर क्यों कहा जाता है, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये परीक्षा सिर्फ पैसों वालों के लिए बनी? आज से नहीं, तमिलनाडु तो ये बात सालों से कहता आ रहा है, नीट का विरोध करता आ रहा है, लेकिन क्यों? आज नीट की बैक स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे, वो कौन से बड़े कारण है जिस वजह से नीट परीक्षा पर एंटी पुअर टैग लगता है, जिस वजह से विरोध होता है। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि देश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं और कितनी सीटें। भारत में कुल 704 मेडिकल कॉलेज हैं। इन 704 मेडिकल कॉलेजेस में टोटल मेडिकल सीट्स हैं 109,170। इन 704 मेडिकल कॉलेजेस में से 382 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 264 प्राइवेट कॉलेज हैं और 51 प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। अब आ जाते हैं अपने मुख्य विषय पर, क्यों नीट को कहा जाता है एंटी पुअर। इसमें पहला बड़ा कारण निकल कर आता है फीस से जुड़ा। करियर 360 के मुताबिक जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 5 साल की फीस लगभग 3,64,000 है, वहीं पब्लिक मेडिकल कॉलेज की फीस 6 लाख से ज्यादा है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तो कई गुना ज्यादा 78.82 लाख रुपए है। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए आपको भरने पड़ते हैं। मतलब आप खुद सोचिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी की लाखों करोड़ों की फीस आखिर कौन भर पाएगा? जिसकी जेब में पैसा है, मतलब अमीर, कौन नहीं दे पाएगा, गरीब नहीं दे पाएगा। मतलब यहाँ 2 केसेस है, या तो आप अव्वल आए, बेहतर मेरिट हो ताकि सरकारी सीट मिले, या फिर आपकी जेब में पैसा हो। मतलब अगर बेहतर रैंक नहीं भी आई तो भी प्राइवेट या डीम्ड में करवा लेंगे। अब इस दौड़ में जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि रैंक बेहतर आए ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए या फिर पब्लिक मेडिकल कॉलेज में मिले। देश के 382 सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट हैं 55,225, 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीटें हैं 1,180। अब सबको तो यहाँ सीट नहीं मिल सकती। अब ये सोचिए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका सपना तो यहीं टूट जाएगा। लेकिन जिनकी रैंक और मेरिट उनसे भी कम होगा, उन्हें सिर्फ इसलिए एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, भले ही उसका स्कोर 107 हो, 110 ही क्यों ना आया। जिसके पास पैसा है वो तो जाएगा 264 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जहां सीटें हैं 42,515, या फिर 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी में जहां सीटें हैं 10,250। इसमें आपको बताया कि कट ऑफ की भी अहम भूमिका है, अहम कड़ी। 2024 में कुल सीटें हैं 109,048, 13,16,268 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, पास परसेंटेज 22.78 है। 2023 में 19.03% रहा, 2022 में 16.36% रहा और 2021 में 19.17% रहा। नीट के केस में पास परसेंटेज का स्टैंडर्ड भी गिरता हुआ नजर आता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की जरा कट ऑफ देख लीजिए, हम 2023 की बात कर रहे हैं। ACS मेडिकल कॉलेज में 137 स्कोर करने वाले स्टूडेंट को सीट मिली, रैंक थी 10,12,392। वहीं और नीचे जाएंगे तो 110 मार्क्स पर भी सीट मिली, रैंक कितनी थी, 11 लाख से ज्यादा। अब आ जाते हैं एक ब्रॉडर पिक्चर पर। 2021 में तमिलनाडु में नीट आधारित एडमिशन प्रक्रिया के असर के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति को हेड करने वाले रिटायर्ड जज जस्टिस AK राजन ने नीट को तत्काल खत्म करने की सिफारिश की थी और उसके कारण बड़े गहरे बताए गए। तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाया कि 2017-18 में नीट लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों, तमिल माध्यम में पढ़ने वाले, कम आय वाले परिवारों और तमिलनाडु राज्य बोर्ड स्कूलों से पढ़ने वाले छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश मिलने में कमी आई, जबकि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को नीट से पहले की अवधि में भी अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। नीट के बाद उनकी हिस्सेदारी और बढ़ गई, जबकि तमिल माध्यम के छात्रों की हिस्सेदारी कम हो गई। कमिटी ने पाया कि नीट के बाद की अवधि में उच्च आय वाले परिवारों के छात्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, जबकि गरीब परिवारों के छात्रों की हिस्सेदारी में कमी आई। कोचिंग सेंटरों के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट में कहा गया कि 2019-20 में प्रवेश पाने वाले 99% छात्रों ने नीट से पहले ट्रेनिंग प्राप्त की थी।
कमेटी ने जब राज्य सरकार को 12वीं नंबरों के आधार पर MBBS सहित अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन देने का सुझाव भी दिया था। साथ ही समिति ने तमिलनाडु सरकार से नीट के समाप्त करने के लिए जल्द ही कदम उठाने की सिफारिश की थी। तब से तमिलनाडु नीट का विरोध करता आया है। वहीं कोचिंग भी एक अहम फैक्टर है। महंगे कोचिंग सेंटर और उससे जुड़े खर्चों को भी आलोचक दोषी मानते हैं, क्योंकि गरीब परिवार का बच्चा वो खर्च जाहिर सी बात है नहीं उठा सकता। इन्हीं तमाम बातों की वजह से नीट परीक्षा का विरोध खासतौर पर तमिलनाडु में देखने को मिला और अलग अलग जगहों से भी ऐसी मांग उठती नजर आ रही है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।